आलू है, गोभी है, टमाटर है, मटर है। बोलू डिस्क्लेमर, ये वीडियो आपको ऑफेंड करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई जा रही, पर अगर फिर भी आपके किसी सेलिब्रिटी को कुछ कहने पर आपको बुरा लगता है तो एक पैनाडोल सुबह, एक दोपहर, एक शाम हौसले के साथ खाएं। आहो हाँ जी, तो कैसे हो सब सवाए टिकटॉकर्स के, क्योंकि मुझे पता है कि आसमान पाट गया, जमीन कंप गई, मंजा कंधे से चढ़ गई जब ये वाकया रूनमा हुआ, और आखिरकार जिस चीज के लिए सब दुआएं मांग रहे थे वो कबूल हो गई। हाँ जी, टिकटॉक बैन होगी, ना कोई वार्निंग ना कोई लेटर, डायरेक्ट बैन। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। और अब जाकर पीटीए ने कुछ ढंग का काम किया, नहीं तो स्टार्टिंग से बस एवं फोकी चवले ही मार रही है। पर मेरे जेहन में कुछ सवाल है कि टिकटॉकर्स अब क्या करेंगे, इनका तो स्टेज ही शट डाउन हो गया, अब परफॉर्म कहाँ करेंगे। अल्लाह दा वास्ते ही कितने यूट्यूब ते आके इन्हू भी बैन ना करा दियो, सानू पहली वार्निंग मिली है। इंटरनेट बीफ पर डरते हैं, वैसे खाते गरीबी पर घर पे हैं पैसे, चश्मे भी नकली ये पड़ते हैं कैसे, ये लड़की के बाल ये लड़के हैं कैसे। वैसे आपस की बात है, बली हैदराबादी क्या करेगा, अब वो कहाँ चलेगा, क्योंकि टिकटॉक की वजह से तो वो चल रहा था कभी इधर को कभी उधर को। चलो ये भी चंगा हो गया, अब इसकी टांगों को तो थोड़ा सा सुकून आ जाएगा, एवं पागलों की तरह कभी इधर को जाता था कभी उधर को, ऐसे ही चलते चलते वो दुबई पहुंच गया। अब मेरा भरा वही बना ले वीडियो जितनी बनानी है, इतने तो पट्टे चुके गए यार। इंटरनेट बीफ पर डरते हैं, वैसे दिखाते गरीबी पर घर पे हैं पैसे, चश्मे भी नकली ये पड़ते हैं कैसे, ये लड़की के बाल ये लड़के हैं कैसे। और हाँ जी, हम अपने टिकटॉक के प्राइम मिनिस्टर को कैसे भूल सकते हैं, जिसे पूछे दसे बगैर ही टिकटॉक को ताला लगा दिया गया, अब वो अपना गुड हो गया जी वाला डायलॉग कहाँ बोलेगा, और लोग कैसे अपने मसले प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाएंगे, इनका तो डाकखाना ही बंद हो गया। वैसे एक बात मैंने पहले भी बताई थी कि अगर कल कोई टिकटॉक बैन हो गया तो ये प्राइम मिनिस्टर गलियों में आलू प्याज बेचता नजर आना है। अगर मुझे पता होता कि मेरी बात सच हो जानी है तो मैं 1,00,000 सब्सक्राइबर का बोल देता। चलो खैर, अब अपने प्राइम मिनिस्टर का ख्याल करना है, अगर किसी को भी ये गलियों में आलू प्याज बेचता नजर आया तो इसी से लेना है, और 5-10 ज्यादा ही देने हैं, आखिरकार हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर है। इंटरनेट पर डरते हैं, वैसे दिखाते गरीबी पर घर पे हैं पैसे, चश्मे भी नकली ये पड़ते हैं कैसे, ये लड़की के बाल ये लड़के हैं कैसे। और पाकिस्तानी 16 इयर्स ओल्ड गर्ल जिसने सोशल मीडिया पर 10 मिलियन फॉलोअर्स करके पाकिस्तान में रिकॉर्ड कायम किया, हाँ जी जन्नत मिर्जा, हम इसको कैसे भूल सकते हैं, इसकी वजह से तो ये सब हुआ है। ये पीटीए की तरफ से जन्नत मिर्जा के लिए 10 मिलियन का गिफ्ट है, हाँ जी इतना तगड़ा गिफ्ट के टिकटॉकर्स की चीखें ही निकल गई हैं। किधर शाम को पार्टी होनी थी, कोई 10 पाउंड का केक कटना था, और किधर पीटीए ने टिकटॉकर्स का ही काट दिया। वैसे अब मेरी बहन, इन 10 मिलियन में से किसी को आवाज दे, किसी ने नहीं सुननी, क्योंकि जिन्होंने तुझे फॉलो किया था इनको बस इतना ही पता था कि इतों उत्ते कितने अगली वीडियो आ जानी है, तो इतों थल्ले कितने पिछली। इंटरनेट बीफ पर डरते हैं, वैसे दिखाते गरीबी पर घर पे हैं पैसे, चश्मे भी नकली ये पड़ते हैं कैसे, ये लड़की के बाल ये लड़के हैं कैसे। हमारे मौलवी साहब का तो आपको पता ही है, कितने टोट के बताते थे टिकटॉक पर, अब प्रैक्टिकल हो गया जितना होना था, अभी ये काम सही में स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। पर याद रखना, टिकटॉक पर तो कोई कुछ नहीं कह सकता था, पर असल जिंदगी में अगर इधर कुछ खराब हो गया तो छितर अन्ने वाह बजते हैं, और फिर पट्टियां कराने के लिए डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है, ये टोट के वोट के का कसर नहीं करते। चलो अब इसको भी सुकून हो जाएगा, इसने भी इतनी पाई हुई थी टिकटॉक पर। इंटरनेट बीफ पर डरते हैं, वैसे दिखाते गरीबी पर घर पे हैं पैसे, चश्मे भी नकली ये पड़ते हैं कैसे, ये लड़की के बाल ये लड़के हैं कैसे। पीटीए की कॉल आई थी, टिकटॉक नहीं रही, मस्ती कर रहे हैं, तो बाद आ जा, तू बड़ी राम मौत मना है, तनु कुत्ते आने खाना है। ये मैडम भी सबको याद होगी जिसने फॉलोअर्स के लिए अपना खसम ही मार दिया था, लो अब नासा में ले लो इन फॉलोअर्स को, इतना बड़ा ड्रामा किया और फिर भी वहीं की वहीं रहेगी। तो ये मत सोचना कि टिकटॉक अनबैन हो जाएगा, क्योंकि ISPR का टिकटॉक पर कोई अकाउंट नहीं है। वैसे आप लोग दुआएं दो मुझे, जिसने आखिरकार कुछ दिन पहले टिकटॉक पर साइन अप किया और कुछ दिन बाद ही अब टिकटॉक उड़ गया, काश मैंने ये साइन अप वाली चवल कुछ देर पहले मारी होती। चल झूठा। पर इसके साथ साथ आपको पीटीए का तो पता ही है, जिसने पबजी बैन की अब चल रही है, यूट्यूब को बैन किया वो भी चल रहा है, मैं भी याद के ठुमके बैन किए वो भी चल रहे हैं, और अब टिकटॉक को बैन किया तो लग तो रहा है कि ये भी अनबैन हो जाएगी, पर कुछ पॉलिसी चेंज होगी या फिर कुछ गाइडलाइंस बनाई जाएंगी जिससे ये फालतू कंटेंट टिकटॉक से रिमूव किया जाएगा, और मैं भी कुछ फिल्टर्स भी ऐड किए जाएं जिससे ये यूट्यूब पर फालतू कंटेंट अपलोड ही ना हो। बस एक ही मिनट है, अब ये टिकटॉक वाले यूट्यूब पर चौले ना मारने लग जाएं कि ना खेलना ना खेलन देना खुद ही मूतना। और जितने टिकटॉकर्स को मैंने वीडियो में मेंशन किया या जितने रह गए हैं, पर्सनली मुझे इनसे कोई मसला नहीं, मैं इनको कोई हेट नहीं करता, इसलिए कमेंट में नहीं ना पा देना, बल्कि ये बताओ कि टिकटॉक को बैन करके सही किया गया या नहीं। नहीं, तू सब तो बड़ा जलील है कायनात। और हाँ, अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, ऐसे लाइक करो जैसे पीटीए को कर रहे हो, और अगर पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और घंटी वाले बटन को ऑल पर कर लो ताकि आप इन बगैरतियों से अपडेटेड रहें। हाँ जी, तो बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।